हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो आज का व्लॉग जो है वो दिवाली व्लॉग होने वाला है। आज धनतेरस है, आप देख ही सकते हैं लाइटिंग वगैरह शुरू हो गई है। तो मैं अपना वॉर्म वाटर लेके जो है वो बाहर आ गई थी। आज जो है कई काम भी थे, पढ़ाई भी करनी थी, तो आज का दिन बहुत हैक्टिक होने वाला था। तो मैंने सोचा क्यों ना अर्ली मॉर्निंग जो है एटलीस्ट अपनी रिवीजन कर ली जाए, बिकॉज़ आगे दिन कैसा जाएगा पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपनी इंडियन पॉलिटी जो है वो अभी मैं मेनली लेके चल रही हूँ, एक मेन सब्जेक्ट को। तो पहले मैं उसका रिविज़न करूँगी, देन उसके बाद आगे की एक्टिविटीज़ को करेंगे। तो जैसे आप आजकल देख ही रहे हैं कि मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ रही हूँ, तो मैं घर में कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ एक्सेप्ट डिनर एंड लंच। तो मेरी मम्मी ने कहा है कि आज कुछ काम करके जाना है दिवाली की सफाई, तो मुझे जो है ये पोर्शन मिला है कि मुझे ये आज कम्प्लीटली साफ़ करना है। तो ये काम करने के बाद आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई लंच जो मुझे लाइब्रेरी लेके जाना है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, घर वालों के लिए भी यहाँ पर मैं लंच प्रिपेयर करके जाती हूँ। ये सब करने के बाद जो है वो मैं अपनी लाइब्रेरी के निकलती हूँ, न्यूज़पेपर मुझे नीचे ही मिल जाता है। आज पूरे मार्केट में और पूरे इन्वायरमेंट में इतनी फेस्टिव वाइब्स है कि एक बार तो मैं सोच भी रही थी कि जाना है या नहीं जाना है, बट वही है कि फेस्टिवल्स है, कोई ओकेज़न है, आपको अपनी स्टडीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना होता है, बिकॉज़ आप नहीं कोई भी टाइम अपना वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी बाद में भी आपको शायद हो सकता है कि कहीं पर टाइम अलॉट करना पड़े, तो मेक श्योर कि जो अभी आपके पास टाइम है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं मार्केट से जा रही थी और मार्केट में पूरी डेकोरेशंस हो रखी थी, तो यहाँ पे मैं भी कुछ कुछ चीज़ें देखती हुई जा रही थी। ये मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैं अपने घर के लिए लेने की सोच रही थी, बट मैं फिर भूल गई पढ़ने के चक्कर में। तो इतना सब करने के बाद भी मैं एक डिसेंट टाइम पे लाइब्रेरी पहुंच गई थी। लाइब्रेरी अभी भी खाली थी, फेस्टिवल की वजह थी से थी या वैसे थी, तो मैं बस टाइम से पहुंच गई थी। तो यहाँ पे मैंने अपना बैग रख के जो है, अब लाइब्रेरी में आप सबसे पहले आते हो तो सारी चीज़ें आपको ही करनी होती है। तो यहाँ पे फ़ैन वगैरह ऑन करके जो है अपने आप को हाइड्रेट करके मैंने अपने स्टडीज़ के स्लॉट को शुरू किया। उसी के साथ जो है वो मैंने अपने 1265 जो स्टेप्स हैं वो भी कंप्लीट करे मॉर्निंग में, बिकॉज़ बीच में मैंने रिक्शा ली थी बट हाफ स्टेप में चल के आई थी, तो थोड़ा सा भी मेरा ये गोल भी अचीव हो गया। तो यहाँ पे मैं वाटर बॉटल भर रही हूँ, बिकॉज़ आपको ये इंश्योर करना है चाहे सर्दी आ रही है या कैसा भी मौसम है कि आप हाइड्रेटेड रहे, चाहे आप कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मैं वही करके जो है वो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग से शुरू करूँगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में पता ही होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होता है। अभी एक दो दिन से मैं वहाँ पे चीज़ें नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बट वहाँ पे आपको नोट्स और बाकी स्टडी मटेरियल मिल जाता है, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दे
देन ये आर्टिकल करने के बाद आई एम टेकिंग अ स्मॉल नटी एंड फ्रूट ब्रेक, जो है मतलब कि मिड ब्रेकफास्ट जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि घर पे इतना टाइम नहीं लगता कि हाँ भाई आपको सुबह सुबह जब सब कुछ निकल के आना होता है, तो आप कुछ हेल्दी जो है लाइट मॉर्निंग में ज़रूर लें। उसके बाद जो है वो मैं अपना सेकेंड फ्लोर शुरू कर रही हूँ। मैंने जैसे आज सुबह भी बताया था रिविज़न में कि इंडियन पॉलिटी को मैं मेनली कर रही हूँ इस टाइम पे, तो यहाँ पे पॉलिटी का ही मैं शुरू करूँगी। यहाँ पे आज मुझे यूनिट 3 जो है दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पूरा करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको पढ़ रही हूँ, याद कर रही हूँ, और उसके बाद साथ के साथ मैं इसको लिख के देख रही हूँ। ऐसे मैंने जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स थे उनके साथ किया था। तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे जो मैंने एक मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ था वो मैं रब करके जो है फिर मैंने अपना जो भी याद किया था छोटा छोटा टॉपिक उसको लिख के देखना शुरू कर दिया था। तो थर्ड स्लॉट में जो है वो मैं अपने ऑप्शनल को कर रही हूँ। ऑप्शनल जो है ना वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैं रिवीजन कर रही हूँ, और ये कुछ लेक्चर्स जो थे वो मुझे अभी भी अवेलेबल थे ऑनलाइन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज किया जाए। तो जो मेन थोड़े थोड़े पॉइंट मैं भूल गई थी ना, मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ, और कुछ जो है वो मेरे नोट्स सब कुछ प्रिपेयर है ऑप्शनल का, बस रिवीजन चल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने सर की जो है वो वीडियो देखते हुए, कई स्टूडेंट पूछते हैं मेरा ऑप्शनल क्या है, तो मेरा ऑप्शनल फिलोसफी है, और मैंने मित्राज IAS जो है उससे कोचिंग ली थी ऑफलाइन, बट हमें जो है ये ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए गए थे जो कि आगे एक्सपायर हो जाएंगे। तो इतना पढ़ने के बाद जो है वो मैंने अपना लंच शुरू किया। ये बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप छोटे छोटे जो हैं वो ब्रेक्स लेते रहें, हर सब्जेक्ट के बाद ब्रेक लें। लाइब्रेरी में किसी से बात नहीं करनी है, किसी से भी नहीं करनी है, आपको अपना ब्रेक खुद लेना है। आप वॉक कर लीजिए या फिर 10 मिनट म्यूज़िक सुन लीजिए, अपने डेस्क पर बैठ के नहीं सुनना है, बाहर जाके सुनिए, उससे आप रिफ़्रेश भी हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो योजना आपने देखा ही था, मैं मुखर्जी नगर से लेके आई थी पिछले व्लॉग में। तो जो है योजना जो है इसके 4 आर्टिकल्स मैं कर चुकी हूँ। जब ये पूरी हो जाएगी, जब मैं टेलीग्राम पे इसके नोट शेयर करूंगी, तो आज का जो आर्टिकल्स थे 4 आर्टिकल इसके हो गए थे, आज मैं 5th आर्टिकल जो है वो करने जा रही हूँ इसका। देन इतना सारा पढ़ने के बाद और आप लंच कर लेते हैं, और सुबह जब जल्दी उठते हैं तो आपको नींद आने लगती है, तो पानी वानी पी लिया था बट फिर भी कोई असर नहीं हो रहा था। तो आई डिसाइड कि चलो आधे घंटे का नैप ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उससे आप एकदम से ना माइंड फ्रेश होकर उठते हो। तो यहाँ पे आधे घंटे का नैप लेने के बाद जो है वो मैंने अपना टी ब्रेक भी साथ के साथ ही कर लिया, ताकि मैं पूरा एक अवेक स्टेट में आ जाऊँ और उसके बाद अपने आगे की तैयारी शुरू कर सकूँ।
तो यहाँ पे जो है उसके बाद क्या था कि जो मैंने आज न्यूज़पेपर रीडिंग करी थी, तो वहाँ पे इसराइल एंड लेबनन जो है उनके बीच में डील कराया था यूएस ने, तो वो न्यूज़ में था। तो बट उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, मैं थोड़ा सा भूल रही थी, तो आई डिसाइडेड कि मैप तो करना ही है, तो पहले जो है वो मैप कर लूँ। आप देखते थे कि मेरी पिछली वीडियोज़ में भी कि मैं वर्ल्ड मैप को रख के आगे ऐसे बना के देखती थी, तो उससे जल्दी याद होता था मेरे को। तो मैं ऐसे ही यहाँ पर कर रही हूँ कि मैं देख के मैप बना रही हूँ, और उसके बाद जो इसराइल एंड लेबनन का कॉन्फ्लिक्ट है, एक बार मैं उसको गूगल से पूरा अच्छे से स्टडी करूंगी कि क्या है, और अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स तो उसको मैं नोट डाउन भी कर लूंगी। देन आफ्टर दिस अगेन अ स्मॉल ब्रेक, क्योंकि चॉकलेट जो होते कहते हैं कि एनर्जी को दोबारा बूस्टअप कर देती है, तो मैं इतना खाती नहीं हूँ, बट स्टिल गिफ्ट में आया हुआ था तो सोचा कि चलो खा लो इसको। तो उसके बाद जो है ये छोटा सा ब्रेक लेने के बाद अगेन आई स्टार्ट, और अभी जो है वो मैं करंट अफेयर्स करूँगी विजन आईएएस से। आपको पता है मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं खाली विजन आईएएस से करती हूँ, जो टॉपिक एक बार मैं गूगल पर डाल के देख लेती हूँ, जिसका मुझे कंटेंट अच्छा लगता है मैं उसका कर लेती हूँ, बहुत सारी साइट्स है, बट जो है विजन आईएएस का एक डेली बेसिस पे मैं करती हूँ विद न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे जो है मैं वही कर रही हूँ, इसके जो है नोट्स देखो, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो कहते हैं कि मंथली मैगजीन कर ले, बट जब मंथ में आप एक्टिवली डेली बेसिस पे कर सकते हैं तो बुरा ही क्या है कि आप मंथली कंपाइलेशन, और मंथली कंपाइलेशन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कुछ घट के ही आता है, मुझे ये फॉर्म अच्छी लगती है तो मैं ऐसे करती हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। उसके बाद जो है अगेन 10 मिनट्स का मैंने आपको बताया था कि आपको खुद को एक ब्रेक देना होता है, तो मैं कॉरिडोर में वॉक कर रही हूँ, मैं किसी से लाइब्रेरी में बात नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे को मैं सिर्फ यहाँ पढ़ने आई हूँ। उसके बाद जो है अगेन अपने नेक्स्ट लोड को शुरू करते हैं, मॉडर्न इंडिया के साथ जो है वो शुरुआत करेंगे। मॉडर्न इंडिया देखिए मेरा जो सिलेबस है ना मेंस के कुछ टॉपिक छोड़ के जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो यहाँ पे अब मैं अपना एक रिवीजन शुरू कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है वही हो रहा है अगेन, मैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कर रही थी, तो मैं फैक्ट्स को याद करने की कोशिश कर रही हूँ अभी, जो मुझे लगता है कि मैं भूल जाती हूँ, तो यही करने के बाद मैं इन सारे फैक्ट्स को लिख के भी देखूंगी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक गवर्नर जनरल कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं वेरन हेस्टिंग जो है वो करने जा रही थी, बट पता नहीं क्या हो रहा था, वाईफाई का फुल कनेक्शन आने के बाद भी वो चल ही नहीं रहा था, इशू आए जा रहा था आए जा रहा था। मैं सोचा कि छोड़ यार, लेट भी हो रहा है, मतलब निकलना है, क्योंकि धनतेरस का टाइम था, तो यू कैन सी कितना रश था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, तो किसी तरह मैं घर पहुंची कि घर पे डांट पड़े उससे पहले चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से रोड से भीड़ भाड़ से बचते हुए जो है वो मैं घर पहुंची हूँ, और घर पहुंचते ही जो इतना मूड खराब हुआ था जाम में वो अच्छा हो गया था जब मैंने देखा कि घुसते ही सोसाइटी के अंदर कुछ इस तरीके का सीन था, सारी लाइटनिंग्स वगैरह कंप्लीट हो गई थी, सुबह तक नहीं हुई थी, बस हमारे घर पे ही सुबह सुबह हुई थी, और सुबह फिर जब मैं घर से निकली थी तो वो बंद हो चुकी थी। तो ये जो है ये मेरा घर है, अब की बार थोड़ा अलग लाइट्स लगाई है वाइट एंड ग्रीन के कंसेप्ट में, जो मुझे अच्छा लगा। देन उसके बाद जैसे ही मैं घर आई तो मैंने देखा कि गिफ्ट्स वगैरह आने शुरू हो गए, तो मैं और खुश हो गई कि मुझे बॉक्स बहुत अच्छा लगा था। देन उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत काम जो है और करना था, डिनर प्रिपेयर करना था, और हम नॉर्थ इंडियंस के लिए साउथ इंडियन इज़ अ फेस्टिव डिश, तो यहाँ पे जो है मैं सांभर वड़ा और इडली की प्रिपरेशन करते हुए, ताकि जो है आज थोड़ा छोटा सा फेस्टिवल है तो वो थोड़ा सा और चीयरफुल हो सके। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद इंजॉइंग दिस हैप्पी मील। तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।